हेलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कोई डिमांड है, कोई हेल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चैनल के लिंक में जाकर के उसको ज्वाइन करिए। उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जा करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, उसमें उन कोर्सेज को देखिए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, वीडियो देखिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चलो तो कुछ क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले कुछ दो चार चीज़ें पढ़ लें छोटी छोटी। तो हेडिंग डालेंगे बेटा, सबसे पहली हेडिंग रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। के और के बी के बीच का रिलेशन किसमें? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, के और के बी के बीच का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन के एंड के बी फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, है ना? ठीक, दोनों के बीच का रिलेशन। तो आ जाओ जरा शुरू करेंगे। एक वीक एसिड है मेरे पास, वीक एसिड है एच ए, एच ए नाम का एक वीक एसिड है। कैसे टूटेगा? टूटेगा H प्लस और A माइनस में, टूट गया। वीक एसिड है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K। ये K को मैं कैसे लिखूंगा भैया, है? K को मैं कैसे लिखूंगा? H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाय H A, ऐसा लिखूंगा। ठीक है, ये वीक एसिड है। ये दोनों में क्या चीज का अंतर है? ये दोनों में एक H प्लस आयन का अंतर है, और दोज स्पीशीज विच रिफर बाय वन एच विच डिफर बाय वन एच प्लस आयन आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते। तो अगर ये वीक एसिड है तो ये भाई साहब क्या है इसका? ये है इसका कॉन्जुगेट बेस, है। अब ये कॉन्जुगेट बेस ए माइनस को मैं अगर पानी में डाल दूं तो वहीं कहीं अपनी बेसिसिटी दिखाएगा वो पानी में। पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें डाल दिया मैंने। पानी में डालने में क्या होगा? पानी टूट जाएगा। पानी कैसे टूटेगा? H प्लस OH माइनस, ऐसे ही टूटना आता है पानी को। ये माइनस है, इससे क्या जुड़ जाएगा? H प्लस, क्या बन जाएगा बोलो? H A बन गया, प्लस क्या बनेगा? OH माइनस, OH माइनस दे रहा है इसीलिए क्या है ये बेस। बेस के लिए अपन क्या लिखेंगे? के बी, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे बेटा। अब ये जो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है के बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? इसकी वैल्यू हो जाएगी ओ एच माइनस इंटू एच ए डिवाइडेड बाय ए माइनस। वाटर को तो नहीं लिखेंगे, प्योर लिक्विड है। ठीक है, अब अपने क्या करना है? कुछ नहीं करना, अपने को K को KB से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? ऐसे मन में आया, बचपन से सपना था मेरा, बड़ा होऊंगा तो मैं KB मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा दुनिया को। तो आज तुम मेरा सपना पूरा कर लो, है नहीं? कई बार बच्चा पूछता है क्यों, फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, फिर ऐसे जवाब निकलता है और क्या, है ना? तो K H प्लस इंटू ए माइनस डिवाइडेड बाय एच ए मल्टीप्लाइड बाय के बी, ये वाला है ओ एच माइनस इंटू एच ए डिवाइडेड बाय ए माइनस। कुछ कट रहा है क्या? देखो जरा क्या क्या कट रहा है। ए माइनस से ए माइनस कट गया, एच ए से एच ए कट गया। ठीक है, क्या बच गया मेरे पास? के ए इंटू के बी बराबर H प्लस इंटू क्या?
अच्छा अब कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, एनी आइडिया? के डब्ल्यू होता है, के डब्ल्यू होता है ना 10^-14, है ना? तो अपन ने क्या कर दिया इसको, के इंटू के बी बराबर क्या हो गया, के डब्ल्यू। ये पहला काम करोगे, ठीक है। अगला, अगर अब आपने क्या करना है, आप दोनों तरफ लॉग लोगे, माइनस लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। और के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती, 10^-14, ये वैल्यू पुट करके माइनस लॉग लगा के सॉल्व करके दिखाओगे। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, शुरू हो जाओ। अरे यार, मैं कल सब पानी वानी यहां से फेंकवा दिया था ऊपर से ले आऊंगा करके, और ऊपर से ले आना भूल गया मैं, बड़ी तकलीफ है यार, बड़ी बीवी को फोन किया जाए। वो गाना है यार उसका, मजाक है क्या? ये तो ये वाला है, तो उधर वाला सुनेगा तो और पागल हो जाएगा। पिका 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 चू बजता, मेरी बीवी अपना रिंगटोन लगाई, पिका 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 चू ऐसे करके गाना है एक, तो पता नहीं कौन सा कोई सा पिका चू का गाना, उसको बहुत पसंद है, पूरा जोर जोर से बजता। लास्ट ईयर वो ऑफलाइन क्लास चलती थी, वो भी पढ़ाती, तो छोटे बच्चों की ऑफलाइन क्लास चलती, छोटे बच्चे भयंकर खुश हो जाते थे। चलो भैया देखो कैसे करेंगे अपन इसमें, माइनस लॉग ले लूं तो माइनस लॉग के ए इंटू, कितना गंदा इंटू लिखा है, कितना गंदा के लिखा है, के ए इंटू के बी बराबर माइनस लॉग के डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां तक के जा सकते अपन। अब माइनस लॉग, माइनस बाहर छोड़ दे रहा हूं, लॉग के ए प्लस क्या, लॉग के बी बराबर माइनस लॉग 10^-14 पुट कर दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा और साइड कर लेते हैं, ज्यादा साइड कर लिया, अच्छा ऊपर कर लेते हैं, कैसे करूं ऐसे, ठीक है। जिसका जो गया हो गया, मैं क्या कर सकता हूं, माइनस लॉग के ए प्लस माइनस लॉग के बी, समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं, बराबर माइनस ऑफ माइनस 14 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, ये माइनस इसलिए, ऐसा इसलिए लिखा मैंने क्योंकि माइनस लॉग के क्या हो जाएगा, पीके, और माइनस लॉग के भी क्या हो जाएगा, पीके भी। तो यहां से आ गया मेरा पीके ए प्लस पीके भी बराबर लॉग 10 की वैल्यू तो 1 हो गई, माइनस ऑफ माइनस 14 कितना हो जाएगा, प्लस 14। तो यहां से आ गया पीके ए प्लस पीके बी बराबर 14। डब्बे में बंद कर लेंगे, लिखेंगे ओनली, नहीं लिखेंगे वैलिड ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कहां लगेगा, केवल कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पे लगेगा, और सब जगह नहीं लगेगा, ठीक है। वैलिड ओनली फॉर, कोई आया क्या है, वैलिड ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, समझ में आ गई भैया बात, ठीक है। क्या क्या करना है, कर लोगे ठीक किसी कोई डाउट है इसमें, जिसका छूट गया था? हाँ बेटा बोलो। तो जो a माइनस है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो वो पूरी तरीके से नहीं रिएक्ट करेगा? हाँ करेगा, HA बनाएगा, लेकिन वो HA वापस टूट जाएगा ना। ओके सर। है ना, जो बना रहा है वो। लो भैया ए क्या हो गया, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो, लेट आया हो कोई, देख लो भैया, नहीं तो मैं बढ़ूं आगे, है ना, मैं हट जा रहा हूं, जूम कर लियो।
हो गया। चलो अगला हेडिंग डालेंगे भैया। अच्छा नया वाला ना पढ़ता है नया, तो नया अगला हेडिंग डालेंगे भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट। क्या है बेटा? कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, अभी क्या बोलता है कॉमन आयन इफेक्ट देखना। मेरे पास एक वीक एसिड था CH3COH जो टूट रहा था CH3CO- और H+ में, इसमें टूट रहा था CH3CO- और H+ में। ठीक है, ये क्या है बीच में, क्या है एक ठोक? इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम है मतलब सब कुछ ऐसा थम्स आ गया है ना, बराबर हो गया, बराबर है ना, कोई इधर उधर भाग दौड़ नहीं मचा रहा। ठीक, तो इसको एने, इसको अपन ने ऐसे इमेजिन किया कि जैसे अपने पास में एक तराजू है, कोई तराजू समझते हो ना, तराजू, तराजू है और राजू नहीं है ना, तराजू है और ये मेरे पास CH3COH का ढेर लगा है ना, और एक ढेर यहां लगा है मेरे पास में ऐसा, जिसमें मेरे पास CH3CO- आयन है, और एक ढेर मेरे पास यहां लगा हुआ है इस टाइप का, जिसमें मेरे पास H+ आयन है। समझ में आया भैया? ऐसे बराबर ये बीच में ऐसा इसलिए लगाया मैंने, क्यों, क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। दिख रहा है भैया सबको? कोई तकलीफ किसी को? थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, सफेद वाला लाइन आपका हट जाएगा तो आपको क्लियर दिखेगा, और है नहीं ये। आगे बढ़ते, अब जो है इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया एडिशन ऑफ CH3COONa, CH3COONa, व्हाट इज CH3COONa, इट इज अ सॉल्ट, सॉल्ट है एक सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड और NaOH के मिलने से बना है, सॉल्ट है। और जितने सॉल्ट होते हैं सबके सब क्या होते हैं, ये सब के सारे सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं ये? ELE शॉर्ट में लिखा है। अच्छा पूरा लिख दूं क्या? पूरा लिख दे रहा हूं सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कोई भरोसा नहीं, सुबह सुबह बच्चे इलेक्ट्रीशियन लिख दे है ना, फिर कभी कल घर को बिजली चले जाए, कल को घर की बिजली बिजली चले जाए तो इसको फोन लगाए कॉपी में, बे आ लाइट चालू, ऐसे भरोसा नहीं, सुबह सुबह नींद का टाइम है नहीं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया मैंने, CH3COONa डाल दिया। अभी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूट जाएगा, कायम टूटेगा CH3CO- और साथ में Na+ में, ठीक है जी, इसमें टूट जाएगा। अब आप देखो आपको क्या नजर आ रहा है, ये वाला आयन जो है ये ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है। जो चीज कई दो तीन जगह आती है ना, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन। मैं भी सुबह उठा हूं, आप भी सुबह उठे, अपन दोनों के बीच कॉमन बात है ना, तो दिस इज कॉमन। व्हाट इज दिस कॉमन? कॉमन आयन। तो इस कॉमन आयन की वजह से इस पूरे कंसेप्ट का नाम पड़ा है कॉमन आयन इफेक्ट। फिलहाल कॉमन आयन मिल गया अपने को, कॉमन आयन तो मिल गया है, अब ये क्या इफेक्ट डालेगा ये अपने को और देखना है। छोटी सी बात है, कोई बड़ा काम तो है नहीं, तो आओ जरा देखें। अब ये कॉमन आयन के आते ही, इस कॉमन आयन के आते ही, एसीटेट आयन के आते ही कहां डाला है ये? एक ग्लास था, अरे यार मेरे पास कोई ग्लास नहीं है, ऐसे समझ लो कि ये यार सुबह सुबह नहीं खुलता यार, कई बार खुल गया। हाँ ये अब ये है एक ठो बीकर है समझ लो, है नहीं? इस बीकर में मैंने पहले क्या डाला था? एसिटिक एसिड, और इसी में मैंने क्या डाल दिया? सोडियम एसिटेट, 2 टेबल स्पून सोडियम एसिटेट डाल दिया। तो सारा का सारा काम कहां हो रहा है? सारा का सारा काम एक ही वेसल के अंदर हो रहा है, एक ही टेस्ट ट्यूब में या एक ही बीकर में, एक ही फ्लास्क में, एक ही चीज में हो रहा है। ठीक, एक ही चीज में हो रहा है। तो जहां ये टूट रहा था वहीं पर ये गिरा, और इसके गिरने से इस वाले इक्विलिब्रियम पे किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई? एसीटेट आयन की, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक,
तो इस वाले इक्विलिब्रियम पे एसीटेट आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई इसके आने से। जब एसीटेट आयन बढ़ जाएगा, एसीटेट आयन किधर है, इधर, जब तराजू के ये वाला आयन बढ़ जाएगा इस तरफ, तो क्या होगा, तराजू इस तरफ झुक जाएगा, ऐसा हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो तराजू बेचारा झुक गया, ऐसा हो गया। अब ऐसा होने के पीछे एसीटेट आयन कम नहीं हुआ, एसीटेट आयन पहले जितना था, एसिटिक एसिड पहले जितना था अभी भी उतना ही है। भाई इसके इधर झुकने के दो कारण हो सकते, ये कम हो जाए या ये भारी हो जाए, लेकिन ये कम नहीं हुआ। ठीक, इधर आ जाओ, एसीटेट आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, ये बढ़ गई, पहले जितनी थी उससे क्या हो गई भाई, ज्यादा हो गई है ना। और H+ आयन की कंसेंट्रेशन ये क्या है, कम हुई ज्यादा हुई, उत्ती की उत्ती, उत्ती की उत्ती, इस पर अभी कुछ नहीं हुआ है ना। तो H+ आयन कंसेंट्रेशन को मैंने उतने का उतना ही बना दिया, ठीक है, ये ढेर बनाया मैंने है ना, ज्यादा नहीं सोचना क्या बनाया करके, ऐसे ढेर बनाया समझने के लिए, ठीक है। तो ये बना दिया, कई कई बच्चे, एक बार एक दिन पढ़ा रहा था, एक बच्चा बोले सर ये आपने, सर ये जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन बनाया है सर, ये कहाँ जाता है। मैं बोला तेरे दिमाग का कचरा निकालता है ये बाहर, बेवकूफ आदमी। बोले सर नहीं सर, वैसे नहीं दिख रहा है सर, लार्ज इंटेस्टाइन टाइप का। खूब पढ़ी उसको, फिर तुम ऐसे मत पूछना भाई ये सवाल है, कई बार बच्चा पूछ देता है भाई, इसीलिए मैं जो पूछता है वो सारी बातें बता देता हूँ आपको, कि आप वो ना पूछो करके। अभी ये इक्विलिब्रियम क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम था, मजा आ रहा था, सब कुछ एकदम ऐसे है ना, शाहरुख खान टाइप गाना वाना गा रहा था है ना। अचानक से ये इक्विलिब्रियम, ओहो गोली चल गई। अभी क्या है इक्विलिब्रियम, वापस चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए भाई, कैसे भी कैसे वापस चाहिए। तो इक्विलिब्रियम वापस लाने के लिए क्या किया अपन ने, अपन जो है, आप जो है वो यहां खड़े हो गए बीच में, ये आप अच्छे नहीं बन रहे हो, आप अच्छे सुबह सुबह नहाए नहीं हो ना, इस वजह से नहा के आते तो बड़ा सुंदर ड्राइंग बनता आपका, बड़ा करके बनाता हूं, रुको आपको, ये आप यहां, आप यहां खड़े हो गए, ठीक है, देख लो आपका ही चेहरा है बेटा, आप ही हो, ये आप, ये आपके बाल हैं, ये आपके कान हैं, ये आप यहां खड़े हो गए, ठीक है। कई लोग को तो अच्छे नहीं, अच्छे से बनाना अपना, स्टिक फिगर आपका ही है, बुरा नहीं बनना चाहिए। अब वो देखा है कि वो रेत, रेत उठाते, रेत, रेत उठाने के लिए कोई ऐसा फावड़ा रहता ना सामने से, चम्मच जैसा, स्कूप जैसा, जो ऐसे लगता है कि बचपन में जो चम्मचें रहती थी घर में, बच्चों वाली चम्मच, उसके जैसा रहता नहीं सामने से कटा हुआ, तो वो वाला फावड़ा, ऐसे वाला आ गया, इमेजिन हो गए, वो फावड़ा लेके आप यहां से, आपने ये फावड़ा पकड़ा है हाथ पे अपने, आपके हाथ पे फावड़ा ही पकड़ा दूंगा, ये वो फावड़ा है, दिख रहा है ना। अब आपने क्या किया, यहां से ये कौन कौन सा आयन है ये वाला, अब वापस छोटा कर लेते हैं, अपने पास कौन कौन सा आयन था भैया, एक उधर था ये एसिटिक एसिड है, ये एसीटेट आयन है, और ये क्या है, एच प्लस आयन। अगर मैं चाहता हूं कि वापस इक्विलिब्रियम आ जाए, तो वापस इक्विलिब्रियम आने के लिए आप क्या करोगे, यहां से H+ आयन उठाओगे थोड़ा सा, पीछे से थोड़ा सा एसीटेट आयन उठाओगे, दोनों को साथ में मिक्स करोगे, दोनों को मिक्स करोगे एसीटेट आयन और H+ आयन को, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, और इसको उठा करके किधर फेंकोगे, पीछे, सर जैसे वो फेंकते थे ऐसे बचपन में देखा होगा ना, ट्रक में रेत भरते हुए, नहीं देखा तो तुम्हारा जिंदगी बेकार, वापस जाओ तुम जीने के लिए है ना यार। तो ये सब कहां फेंकाएगा, ये सब पीछे फेंक दिया जाएगा, तो ये यहां से यूं पीछे जाएगा ऐसे उड़ता हुआ। अब धीरे धीरे वहां पीछे की ओर जाएगा, तो ये वाला ढेर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और जब ये वाला ढेर बढ़ने लगेगा, तो ये तराजू धीरे धीरे वापस कैसा ऊपर उठने लगेगा है नी, ऐसे करके, ठीक, तो ये तराजू वापस ऊपर उठने लगेगा, और जब ये तराजू वापस बैलेंस हो जाएगा, तो ये एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन पहले से क्या होगा, बढ़ जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा ना, और डाला।
अच्छा ये वाला एसीटेट आयन पहले से थोड़ा कम हो जाएगा और ये वाला H प्लस आयन भी पहले से थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आई बात? अब है फिर से इक्विलिब्रियम आ गया, ये इक्विलिब्रियम आ गया। अब इस इक्विलिब्रियम को पहले वाले इक्विलिब्रियम से कंपेयर करो। पहले एसिटिक एसिड मेरे पास कम था, अब एसिटिक एसिड बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि रिएक्शन किस तरफ मूव किया, बोलो, बैकवर्ड। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे क्यों मूव किया? क्योंकि मैंने इस इक्विलिब्रियम पे एसीटेट आयन डाल दिया और एसीटेट आयन के जाने से ये एसीटेट आयन किस चीज, क्या चीज है, ये प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट के बढ़ने से, याद करो वो पानी वाले टंकी में, प्रोडक्ट के बढ़ने से क्या हो जाता है, रिएक्शन किधर आता है, बैकवर्ड। तो बस यहां पर भी प्रोडक्ट बढ़ गया तो रिएक्शन किधर जाने लगा, बैकवर्ड। अब देखो आगे की ओर जाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि एसिटिक एसिड टूट रहा है, आगे की ओर एसिटिक एसिड क्या हो रहा है, टूट रहा है। लेकिन रिएक्शन आगे जाने की जगह किधर जाने लगा, पीछे जाने लगा। पीछे जाने लगा मतलब एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अरे भाई आगे की ओर एसिटिक एसिड टूट रहा है, एसिटिक एसिड इज बीइंग डिसोसिएटेड इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता मतलब एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन बढ़ जाता, लेकिन रिएक्शन किधर जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। बैकवर्ड जा रहा है यानी एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। द सप्रेशन इन डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑन एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इज कॉल्ड क्या, कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आया? कॉमन आयन डाले, कॉमन आयन के डालने से क्या हुआ बोलो, कॉमन आयन के डालने से यह हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड। और बैकवर्ड शिफ्ट होने से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ा या कम हो गया, कम हो गया, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट किधर डिसोसिएट हो रहा था, आगे। रिएक्शन अगर पीछे गया मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो गया। समझ में आई? कॉमन आयन इफेक्ट परिभाषा लिखेंगे। द सप्रेशन इन डिसोसिएशन, द सप्रेशन इन डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, द सप्रेशन इन डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिशन of a strong electrolyte, on addition of a strong electrolyte containing a common ion is called common ion effect, the suppression, है ना। समझ में आया? सप्रेशन यानी कम होना। क्यों कम हुआ? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा था, अब उसका इक्विलिब्रियम था, उसमें मैंने ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसके पास कॉमन आयन था। कॉमन आयन के आते ही आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, रिएक्शन किधर मूव कर गया, बैकवर्ड मूव किया यानी आगे की ओर डिसोसिएट हो रहा था, बैकवर्ड मूव किया ने डिसोसिएशन कम हो गया। समझ में आई बात भैया? ठीक, चलो तो अभी आप इसको नोट करो फटाक से, ये पहले इतना नोट करो ये चित्र के साथ, फिर वो आप देखना है पीछे फेंकोगे तो क्या होगा। मैं आ रहा हूं, 2 मिनट पानी लेके आ रहा, ऊपर से पानी नहीं मेरे पास और कोई ऑफिस में है नहीं, मैं लेके आता हूँ चित्र बनाओ, जब तक चित्र भी बनाना है तो समझ में आएगा। फिनाइल से बनाओ, फिर ऑड आयन इफेक्ट भी दिखाऊंगा। नहीं बनाएंगे सर, हो जाएगा तो बोलो। है
अरे वो तो डोमेस्टिक रहती है, डराता है क्या वो? अरे कोई बात नहीं, डरने की चीज नहीं होता। तो उसका नाम से बुलाया तो आ भी जाएगा वो, है ना? ऋतिक नाम है उसका, नहीं नहीं ऋतिक राइटसन, राइट का लड़का है ना, ऋतिक राइटसन नाम रखा है मैंने। पीछे वाला पूरा कमरा उसको एक दिया हुआ, वो कमरे में पहले क्लास लगती थी, आजकल क्लास नहीं लगती, वही रहता है आराम से। इधर उसने अपना हाईवे बनाया इधर से जाने का, राइट सन ने है बहुत बार। तो भाई ऋतिक राइट सन है ना, ऋतिक है, होता बॉडी बिल्डर है, जिम विम भी जाता है जी, प्रोटीन शेक पीता है रोज। बाकी लोग आएंगे तो बाकी लोगों को भी दिखाऊंगा, हमारे हमने कोचिंग में चूहा पाला है ना, बहुत भला आदमी हो। बनाओ जल्दी बनाओ, बन जाएगा तो बताना बेटा है। ज्यादा अपने को एम एफ हुसैन नहीं बनना है ड्राइंग में ना, कि बहुत भिड़े हुए एकदम सुंदर, जैसी बन रही वैसे बनाओ, खत्म करो। मैंने खुद देखो कचड़े कूड़े जैसी बनाई, भावना समझनी। वैसे भावना आई नहीं आज मेरे ख्याल से क्लास में, नहीं सुबह आती नहीं हूँ, है अपने पास एक भावना भी, भव्या है, सॉरी भावना नहीं भव्या है। हाँ हो गया क्या, बढ़ू आगे? हाँ हो गया, चलो आगे हेडिंग डालेंगे भैया। नंबर अगला, किसी का बच्चा था क्या? सब डन डन बोल दिए थे तो मैंने भी, फिर बच्चा हो तो बता दे भैया। ऑड आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट है ना, दूसरा है ऑड आयन इफेक्ट। अब वही एसिटिक एसिड फिर से डिसोसिएट हो रहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है थोड़ा सा टूटता है, कैसे? CH3CO- और H+ प्लस में है ना, इसके अंदर मैंने ये वीक एसिड एक इक्विलिब्रियम आया हुआ था, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया एडिशन ऑफ NaOH। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया NaOH। तो NaOH कैसे टूटेगा? NaOH टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। अब देखो आप जैसे ही यहां पर क्या आएगा, जैसे ही यहां पर कौन आएगा, जैसे यहां OH माइनस आएगा, उधर से H प्लस को देख के क्या होगा? ललचा जाएगा, क्योंकि दोनों में तो पुराना रिश्ता है, आप जानते हो। अबे एक एसिड है एक बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे ना, काय से रिएक्ट करते हैं एसिड बेस, H प्लस और OH से। तो तुरंत ये दोनों आपस में ओ हो इश्क तेरा तड़पावे, तुरंत, समझ रहे हो आप है? एक दूसरे से तुरंत बॉन्ड बना लेंगे। जब ये एक दूसरे से तुरंत बॉन्ड बना लेंगे तो एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अबे एच प्लस आयन यूज हो रहा है यहां, एच प्लस आयन चला गया, एच प्लस आयन देखा बोले अरे ओ एच माइनस आप आए हो क्या, चलो मैं भी आ रहा हूं बोल के यहां से चला गया, यहां से चला गया, यहां से चला गया। तो यहां एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन क्या हुआ? कम हो गया, क्योंकि H प्लस आयन तो यहां चला गया। और जैसे ही H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कम होगा, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा? H प्लस आयन एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्शन किस तरफ भागने की कोशिश करेगा? फॉरवर्ड, है ना। जो भाई जिनको ध्यान नहीं आ रहा है, पानी के दो टैंक थे अपने पास में, तेरे को आखिरी बार समझा रहा हूं मैं। अब अगर तू बोतल पानी अपना संभाल के नहीं रखा ना, बगा दूंगा, बता रहा हूं चले। पानी की बोतल गिरा परेशान करता है सुबह सुबह, सीरियसली बता रहा हूं मैं, बाहर बैठा लूंगा। हाँ तो पानी की बोतल तो संभाल। हाँ अब यहां से मैं अगर प्रोडक्ट को कम कर दूं, देखो यहां से ये वाले प्रोडक्ट को मैं कम कर दूं, प्रोडक्ट को मैं कम कर दूं तो क्या होगा है?
रिएक्शन किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड की ओर रिएक्शन मूव करेगा, ये वाला रिएक्शन आगे मूव करेगा। अब आगे मूव करने पर क्या होगा? जब रिएक्शन आगे की ओर मूव करेगा तो एसिटिक एसिड क्या हो रहा है? आगे की ओर डिसोसिएट हो रहा है। तो रिएक्शन जितना आगे मूव करेगा एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन उतना बढ़ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, द इंक्रीज, चूंकि डिसोसिएशन बढ़ गया, द इंक्रीज इन डिसोसिएशन, द इंक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग अ ऑड आयन इज कॉल्ड क्या? ऑड आयन इफेक्ट। समझ में आया भैया? ठीक, तो लिखेंगे फटाक से, अभी हमारा पड़ोसी कुत्ता खरीद के लाया, डोल, पहले एक लाया था अब एक और ले आया, घर में एक आदमी नहीं रहता, मेरे को लग रहा है जू बनाना है उसको, दो ठो कुत्ता हो गया। अब वो पहले एक कुत्ता है बड़ा वाला, पता नहीं कौन सा शेपर्ड है, है? हस्की है, उस दिन देखा हस्की, बहुत महंगा आता है क्या? नहीं, इंडिया में मिलता है ना, हस्की है, मैं तो जानता नहीं, अपने लिए तो सब साले वही रोड वाले ही है ना, हस्की है। वो हस्की जो है वो रोज रात के रोता है, भेड़िया है वो, मेरे को लगता है, मैं बताया पहले बताया भेड़ियों जैसे रोता है, कभी देखना रात के ऐसे करके। अभी ये दूसरा लाया छोटा, ये वो सफेद वाला आता नहीं बाल वाला जो पहले चलता था, पामेलियन, पामेरियन, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो पामेरियन जैसा है, भाई भाई होगा किसी का, क्रॉस ब्रीड बहुत चलती है आजकल, है ना, ये आपस में कोई होगा, है ना। अब वो आया छोटा सा, अब वो बिल्कुल कुल मिला के ना आप ऐसे पैर मारोगे ना, फुटबॉल से भी छोटा है साइज में, ऐसे पैर से मारोगे ना, कसम से वो पेड़, आम के पेड़ के ऊपर चढ़ा दूं मैं, इतना इतना छोटा है वो। उसको कल मैं देखा, कल मैं गया परेशान हो गया, सुबह सुबह क्लास ले रहा था तो सुबह सुबह क्या है यार पढ़ाने है आज, मोहल्ले जू है तमाशा, तो देखने गया तो वो छोटा वाला जो है वो बड़े वाले कुत्ते को भौंक रहा है, हा हुआ हुआ साले उठ के मारेगा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको भौंक इतना रहा पूरा मोहल्ला परेशान हो गया। तुम्हारे घर तक आती आवाज? पूरा मोहल्ले में आवाज गूंज रही, तमाशा चल रहा है यार, आदमी कुत्ता पालो अपने घर में पालो, एक कुत्ता तुम्हारा रात भर रोता है, एक कुत्ता दिन भर भौंकता है, अब मोहल्ला सोए नहीं है, और उसका भौंकना भी 1 बजे को चालू होता है। हाँ बताओ, गलत है यार, बहुत बेकार है। मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसे कुत्तों के समाज सेवी संगठन होंगे ना, उनको बुला के लाऊंगा, उनको क्या तकलीफ है इस कुत्ते को, देखो इतना रोता है, क्या इसकी कोई भाग भाग गई क्या, कोई क्या क्या हो गया इसके साथ, चेक लो, नोट करो। अच्छा वो लिखाना है ना, पहले लिखो ऑड आयन इफेक्ट में, द इंक्रीज इन डिसोसिएशन। अभी किसी दिन चुपचाप जाऊंगा मैं ना, बड़ा पत्थर लेकर और साले का मुंह मारू, बक साहब परेशान कर दिया यार रोज सुबह का, सही। द इंक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग अ ऑड आयन बस इस कॉल्ड, चाहो तो लिख लो ऑड आयन इफेक्ट, इस कॉल्ड ऑड आयन इफेक्ट, ये वाला इक्वेशन लिख लेंगे भैया। फिर इसके बाद सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेन हिस्सा अपन इस चैप्टर का शुरू करने जा रहे हैं, और भी इंपॉर्टेंट, हर क्लास में ऐसी बोलते हो आप। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट जो है वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, है ना। सॉल्ट बनता कब है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर, है ना। अब सॉल्ट जो है वो फिलहाल एक सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट होता है? एसिडिक सॉल्ट। एसिड क्या होते हैं? एसिड वो प्रजातियां जो क्या दे सके? H+ आयन। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे? वो सॉल्ट होंगे जिनसे अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा? एकाध H+ आयन निकाल सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में है NaHSO4, इसके पास एक H+ आयन एक्स्ट्रा है, चाहे तो डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है तो क्या बन जाएगा? एसिड।
है ना, मेरे पास में है KHCO3, एक H प्लस एक्स्ट्रा है, चाहे तो डोनेट कर सकता है, क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। मेरे पास में है NaSH, एक एच एक्स्ट्रा है, चाहे तो डोनेट कर सकता है। तो इस टाइप के जो सॉल्ट है, इस टाइप के जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट क्या कहलाएंगे, एसिडिक सॉल्ट। इसी के भाई होंगे दूसरे, जिनका क्या नाम होगा बोलो, बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट के पास क्या होगा, बेसिक सॉल्ट के पास रेसिड्यूअल OH माइनस, बचा हुआ OH माइनस आयन होगा। जैसे कि मेरे पास हो गया CaOHCl, एक OH आयन डोनेट कर सकता है, ठीक है। मान लो मेरे पास में क्या ले लूं, मैं क्या ले लूं, ZnOH और NO3 माइनस है, इस टाइप का कुछ है जिसके पास में क्या हो, एकाध OH आयन बचा, ठीक। और तीसरा सॉल्ट कौन सा होगा, बहुत बढ़िया, तीसरा सॉल्ट होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट, जैसे क्या हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, फलाना Cl हो गया, है ना, एटसेट्रा, जिनके पास में ना तो H प्लस है ना तो OH माइनस है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा और परिभाषा लिखाने की जरूरत थोड़ी नहीं है ना, जरूरत समझ जाओगे। एसिडिक सॉल्ट यानी जिसके पास क्या हो, H प्लस आयन, बेसिक सॉल्ट यानी जिसके पास क्या हो, OH माइनस आयन, न्यूट्रल सॉल्ट जिस बेचारा गरीब है, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है ना, तो ऐसे करके नोट करो जल्दी से। अच्छा हस्की क्या होते, बड़े होते, जर्मन छपट जैसा दिख रहा है मेरे को तो, कलर भर सेम नहीं ना, हाँ मतलब दूसरे रंग का जर्मन चपट है, और एग्रेसिव भी कम होता है। अच्छा अग्रेसिव कम होता है हस्की, तो उससे तो जर्मन चपट अच्छा था है ना। तो ऐसे भी हम लोग कलर वाला रंग भेद, हम लोग वी आर नॉट रेसिस्ट है ना, हम लोग कलर का भेद करते नहीं, हमारे लिए कुत्ता कुत्ता है कोई से रंग को। नहीं अकेले रहता है, एक भैया रहता है, आंटी नहीं एक तो नौकर रहता है वहां, आंटी का पता नहीं मेरे को, मेरी उम्र नहीं, मैं आंटी वंटी देखूं कौन रह रही है, मैं पागल हूं तुम लोग, अपने काम से काम रखो और अलग हो गया। ये बता रहा बोले कोई आंटी रहती पड़ोस में, बताओ क्या लड़के हैं यार आजकल के, बताओ इस उम्र में है कौन आंटी रह रही कौन नहीं रह रही। एक वो फिर कल बाहर आई आंटी थी है ना, याद है क्या, उसमें पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में, बताओ है, आंटियां देख रहे हैं आजकल के बच्चे बिगड़ गए बहुत यार, छी अमी लोग ठीक है। हाँ ये हो गया भैया, आगे बढ़ेंगे। अब जो सॉल्ट है ये न्यूट्रल सॉल्ट है, NaCl कैसे बना है, NaOH और HCl के मिलने से बना है ना। तो अभी आप लिखना भैया, एसिड प्लस बेस ये दोनों मिलके क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर देते, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट के मम्मी पापा कौन है, एसिड और बेस। अब एसिड कितने प्रकार का है बाजार में, तो आप गुप्ता जी की दुकान में जाओगे ना तो दो प्रकार का एसिड मिलेगा, एक कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक कहलाता है वीक एसिड। एक गुप्ता जी है, गोल बाजार में चले जाओगे ना, वो बजरंग बजरंग मंदिर है, कौन सा मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसके आसपास रायपुर में गुप्ता जी की दुकान है। गुप्ता जी की दुकान ऐसी है, दुनिया में जो चीज कहीं नहीं मिलती वो गुप्ता जी के यहाँ मिलती है, है ना। गुप्ता जी के यहाँ मैंने देखा दांत निकलने के लिए ताबीज भी बेच रहे हो, मतलब बच्चे का दांत जो निकलता है ना बाहर, दांत होते हैं तो उस समय बिना दर्द के हो जाए। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज हो, आप जिसने आपने नाम नहीं सुना, एक हवा बांड हराड़े करके एक कैप्सूल आती है, कहीं सुना था मैंने, वो कैप्सूल भी भाई साहब के यहाँ मिलती, कहीं नहीं मिलेगी आपको, है ना। दुनिया की सारी अनोखी चीजें, गंगा जल मिल रहा है उनके यहाँ, पूजा पाठ का सामान तो बेचते ही हैं, बाकी अनोखी चीजें भी बेचते हैं, जो चीज कहीं नहीं मिलती वो गुप्ता जी के यहाँ मिलती। और वो लाइन में कम से कम 20 गुप्ता जी की दुकान है, 20, और हर दुकान के ऊपर लिखा हुआ असली गुप्ता जी की दुकान। अब जो साले असली थे उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा, हम असली हैं कि ये सामने वाला असली है, सब ने एक ही नाम लिख रखा है असली गुप्ता जी की दुकान, कोई नकली नहीं, सब असली गुप्ता है ना। मतलब समझो पूरे शहर में गुप्ताओं का एक ही काम बच गया, गुप्ता जी की दुकान खोलना, और कोई है ही नहीं, है ना, सब असली गुप्ता है।
तो वैसे ही गुप्ता जी के यहां दो प्रकार के एसिड मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वैसे ही उन्हीं के यहां दो प्रकार का बेस भी मिलता है, आप लेके आओ, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दूं तो इससे बनने वाले सॉल्ट को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस को मिला दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस को मिला दूं, तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। मैं केवल स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट लिख रहा हूं शॉर्ट के लिए, समझ में आ गया होगा, है ना। अब और क्या कर सकता हूं मैं? वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दूं तो इसको कहेंगे अपन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक। और अगर मैं वीक एसिड में, दोनों ही बेचारे गरीब हो, है ना, तो ऐसे केस में क्या कहलाएगा? वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, ठीक है। किसी घर में दोनों माता पिता बहुत तेज होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, किन्हीं के यहाँ पिताजी पढ़े होते हैं, माताजी थोड़ी सी भोली होती है ना, कुछ लोगों के यहाँ पिताजी भोले होते हैं, माताजी बहुत तेज होती, ज्यादातर लोगों के यहाँ यही किस्सा है मैं जो जानता हूँ, है ना, बेचारे पति लोग मारे ही खा रहे हैं, है ना। कुछ लोगों के यहाँ दोनों ही कमजोर होते हैं तो बच्चे उन पर राज करते हैं, वो खैर अलग अलग टाइप की कंडीशन है, पैसे वाला है, समझ में आ गया भैया, ठीक। अब इनसे क्या क्या होगी आगे कहानी वो आगे पढ़ाऊंगा मैं, फिलहाल इतना नोट करो। हाँ, एक मेरे सामने बैठा उसी का नहीं हुआ ना, तो मैं कैसे करूं, बाकी तुम लोगों का तो मैं जानता नहीं, इसी का नहीं हुआ इसे, जल्दी लिख भाई। हाँ लिख लिया, चलो भाई हटा रहा हूं मैं, है ना। हेडिंग डालेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट तो सॉल्ट है, हाइड्रो यानी पानी, लिसिस यानी तोड़ना, तो सॉल्ट का पानी वानी डाल के तोड़ना ताड़ना कुछ तो भी होने वाला है ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या किया मैंने, एक सॉल्ट ले लिया, जैसे NaCl ले लिया, NaCl को भिगो दिया मैंने पानी में डाल दिया जैसे, है ना, तो पानी में डाल दिया तो NaCl क्या होगा, NaCl कैसा टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में, हाँ Cl माइनस में, हाँ NaCl Na प्लस और Cl माइनस में H, अरे क्या हो रहा है, H2O कैसा टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, अल्टीपल्टी करा दो क्या होगा बोलो, Na प्लस में क्या लगेगा, OH माइनस प्लस, H प्लस किससे जुड़ जाएगा, Cl से, क्या बन गया भैया आपका बेस, और क्या बन गया एसिड। तो एक रिएक्शन हो रहा है, जिस रिएक्शन में क्या हो रहा है भैया, सॉल्ट काय से रिएक्ट कर रहा है, पानी से रिएक्ट करके क्या बना रहा है भैया, एसिड और बेस। तो ऐसा रिएक्शन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, ऐसा रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट जो है वो काय से रिएक्ट करता है वाटर से, और क्या प्रोड्यूस करता है बोलो, एसिड प्लस बेस। अब मैंने रिवर्सिबल वाला एरो क्यों लगाया है, क्योंकि आप सोचो सॉल्ट अगर पानी से रिएक्ट करेगा एसिड और बेस बनाएगा तो एसिड बेस उधर जाके एक दूसरे को मुंह देखेंगे कि और भैया कैसे बढ़िया है, छोड़ेंगे क्या एक दूसरे को, जैसी बनेंगे तुरंत समझ लो एक दूसरे के ऊपर कूद पड़ेंगे, तुरंत लड़ाई होगी, तुरंत किधर आ जाएंगे वापस सॉल्ट और वाटर, फिर सॉल्ट और वाटर बना, अरे बोले अरे सॉल्ट अरे वाटर तू आ बोले रिएक्ट करते, तुरंत रिएक्ट करके फिर एसिड और बेस, फिर तो ये चलता रहेगा, इसलिए रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल, समझ में आ गई बात, है ना। तो एक ऐसा रिएक्शन है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, अभी ये सब मिटा रहा हूं, फिर से लिखेंगे इसको धीरे धीरे करके, जिसमें क्या हो रहा है, सॉल्ट और वाटर मिलके क्या बना रहे, एसिड और बेस बना रहे। दिस रिएक्शन इज व्हाट, दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है,
एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वॉटर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस न्यूट्रलाइजेशन का क्या है रिवर्स। अलग अलग करके अपन अलग अलग टाइप के सॉल्ट के लिए पढ़ने वाले हैं। नंबर वन एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो सॉल्ट है CH3COONa, इसको बोलते सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। इसको मैंने डाल दिया पानी में, कैसे टूटेगा बोलो, Na प्लस और ये पूरा एसीटेट आयन माइनस में, यहां पर H प्लस और यहां OH में माइनस, दोनों को रिएक्शन करा दो भैया। दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा बोलो, जल्दी देख के बोलो भैया, CH3COO और H प्लस, CH3COH और साथ में NaOH। NaOH क्या है, नहीं कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और ये क्या है वीक एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बन रहे हैं। मतलब ये सॉल्ट कौन सा रहा होगा, ये सॉल्ट रहा होगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, समझ में आई बात। शुरुआत में मैंने इसका एक ग्राम इक्विवेलेंट लिया है ना, ये कैसा कंपाउंड है, ये कैसा कंपाउंड, सॉल्ट सारे के सारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनके पास एक एनायन होता है और एक कैटायन होता है, आयनिक कंपाउंड है ये, ठीक है, और आयनिक कंपाउंड सार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो पूरा का पूरा टूट जाएगा, ये पूरा का पूरा टूटा हुआ होगा। मान लो मैंने शुरू में इसका एक ग्राम इक्विवेलेंट या एक मोल लिया, एक मोल ही ले लेता हूं मैं तो तुम्हें समझ में आए, मैंने कितना लिया शुरू में इसका एक मोल लिया, कैसा पाया जाएगा ये पाया जाएगा CH3CO- और साथ में Na+, कितना है ये एक मोल, और ये भी कितना है एक मोल, क्योंकि ये पूरा टूट चुका होगा, ठीक। यहां भाई ने क्या बनाया, ये बना, ये एक मोल लिया था, मेरे पास एक मोल CH3CO- आयन थे, तो एसिटिक एसिड कितना बना होगा, एक मोल से एक बन रहा है, तो एक मोल से कितना 150 मोल बन जाएगा क्या जी, नहीं, एक मोल से कितना बनेगा एक मोल, तो ये कितना बना है, ये भी बना है 1 मोल, और NaOH Na+ से बन रहा है, Na+ एक मोल था, तो NaOH भी कितना बना होगा एक मोल, तो ये एक एक मोल बना दिया, पानी खूब सारा डाला है अपन ने, है ना। चलो अब ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये एक कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एंड व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट कंप्लीटली। तो एक मोल बना था तो कितना टूटेगा कंप्लीट, तो एक मोल में कितना टूट जाएगा एक मोल, टूट के क्या बनाएगा ये बनाएगा कौन सा आयन, Na प्लस और OH माइनस। अच्छा कितना कितना बनाएगा, एनी आइडिया, एक मोल था तो ये भी कितना बनेगा एक मोल, और ये भी कितना बनेगा एक मोल, ठीक। यहां तक कोई डाउट है किसी को, नहीं, अच्छा इधर आ जाओ, ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक। वीक एसिड का क्या मतलब है, पूरा टूट जाएगा क्या, कितना टूटेगा थोड़ा सा टूटेगा, थोड़ा सा टूटेगा, यानी पूरा एक मोल टूटा क्या, एक मोल से कम टूटा, एक मोल से ज्यादा टूटा, एक मोल से कम टूटा, और जब एक मोल से कम टूटेगा तो टूट के कौन सा आयन बनाएगा, CH3CO- बनाएगा और H+ बनाएगा, कितना बनेगा बोलो, एक मोल से कम टूटा है, एक टूटता तो एक बनता, एक मोल से कम टूटा है तो ये कितना बनेगा, एक मोल से कम बनेगा, हिंदी में लिखा है भैया, जिनको नहीं आती देख लेना है, ये वाला भी एक मोल से एक मोल बनता, एक मोल से कम टूटा क्योंकि वीक एसिड है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा एक मोल से कम बनेगा, समझना है। अब यहां पर देखो आपके पास OH माइनस कितना है एक मोल, आपके पास H प्लस कितना है एक मोल से कम, कौन है ज्यादा अपने पास OH, तो इस वाले पर्टिकुलर सॉल्यूशन के एक्वस, इस वाले पर्टिकुलर सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में मेरे पास में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन। साइड में लिखना है, थोड़ा सा ये लाइन हटा देता हूं, ये अच्छी नहीं लग रही मेरे को, समझ में आ रही बात है ना,
OH minus ion is greater as compared to H plus ion. Therefore, this solution will be what? Acidic, basic, neutral. कैसा होगा? तो बिल्कुल सही. कैसा होगा? बेसिक होगा. समझ में आई बात भैया? ठीक है, कर लोगे यहां तक के? अच्छा, वो अभी तुम्हारा तो आइडिया नहीं, लेकिन मेरे को ना बाल कटाना बिल्कुल नहीं पसंद. एक कहानी बताने जा रहा हूं. मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद बाल कटाना. मतलब बाल कटाना इसलिए नहीं पसंद कि मेरे को छोटी ओटी रखनी है, ऐसी बात नहीं. मेरे को बाल कटाना इसलिए नहीं पसंद कि आप कभी नाई की दुकान के सामने जाओ. इस क्लास में लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के आ जाए नहीं, मगर आप कभी नाई की दुकान में जाओ तो नाई की दुकान में भाई साहब आपको इतनी वेटिंग लाइन मिलेगी ना कि मतलब आप बोलोगे इतना इतना देर वेट करने से तो अच्छा है कि मैं मतलब इतना तो जिंदगी में मतलब सच्चा प्यार पाने के लिए वेटिंग लाइन नहीं जितनी वेटिंग लाइन नाई की दुकान में. आप जाओ बोले कितना देर लगेगा, टाइम ही नहीं है यार. प्रधानमंत्री उससे ज्यादा फ्री है, इतना बिजी आदमी हो. कितना देर लगेगा? एक घंटा लगेगा कम से कम. कितना देर लगेगा? आधे घंटे से कम तो उन्होंने बोला ही नहीं आज तक किसी को. फिर आप वहां बैठ जाओगे चुपचाप बेवकूफ जैसे. क्या कर रहे हो? कोई सड़ा हुआ या तो मैच आ रहा है या तो वो जलवा वलवा म्यूजिक चैनल आते हैं ना एकदम सड़े वाले जिनमें पता नहीं कौन से गाने सुनाता है. तुम्हारे पिताजी को भी नहीं पसंद जो पता नहीं किसके लिए सुना रहा है. जिनको पसंद थे वो सब चल रही है ऊपर, कोई नहीं बचा उस पीढ़ी का, है ना. वो वाले गाने सुना रहा है, वो गाने सुन रहे हैं सब बैठ के बेवकूफ जैसे. नहीं तो न्यूज़पेपर, वही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. तो कोरोना ने बाल वाल कटाने का चलन खत्म कर दिया. मैं तो घर में ही कटवा लेता हूं अब, है ना, तो बच जाता है. लेकिन मैंने इसका एक जुगाड़ बना रखा है अपना. क्या जुगाड़ बना रखा है? मेरे को अकेले वेट नहीं करना पड़े, इसलिए मैं क्या करता हूं, अपने किसी दोस्त को बेवकूफ बनाता हूं कि चल यार बाल कटा के आएंगे. बोले मेरे नहीं कटाना. अरे कोई नहीं, चलना तो घूम के आ जाइए. क्या कर रहा है? खाली तो बैठा है घर में. चल तो मैं उसको बढ़िया अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाता हूँ. बढ़िया थोड़ा देर बैठ के दोनों बात बात कर लेते हैं, टाइम पास हो जाता है. फिर मेरा नंबर आता है, मैं बाल कटा लेता हूँ. वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करता. वो जैसा जाता है वैसे ही आ जाता है ना. वैसे ही आप अब जैसे लड़कियां ज्यादा इस क्लास में, इमेजिन करो ब्यूटी पार्लर है ना. तो ब्यूटी पार्लर क्या है? ब्यूटी पार्लर के अंदर में अलग टाइप का जादू होता है ना. घुसती कोई और है, निकलती कोई और है. कभी नोटिस करना शादी में जो तुम्हें लड़की दिखेगी ना, जैसे मेरी बहन की शादी थी मौसी की लड़की की, मैं उसको बचपन से देखते आ रहा हूँ शादी के दिन. एक मतलब बचपन से देखते आ रहा हूँ, बचपन से उसको देख के मेरे को उल्टी चाहिए कैसी दिख रही करके ये चीज, है ना. लेकिन उसकी शादी के दिन उसको देखा एक पल को, मेरे को लगा यार ये तो अलग ही टाइप की दिख रही, कोई इतनी सुंदर लड़की अपने को दिखी नहीं पूरे जीवन हो गया देखते इसको. तो अलग ही टाइप का कुछ जादू होता अंदर. वो मेरे को बताई बाद में कि आजकल कोई आप लड़के लोग इमेजिन नहीं करेंगे, कोई ऐसा बड़ा स्प्रे मशीन आया है, स्प्रे मशीन से स्प्रे कर रहे हैं आजकल, पुट्टी उट्टी कर रहे हैं बिल्कुल चेहरे के ऊपर, है नहीं. तो भाई साहब अब इमेजिन करो दुल्हन गई, दुल्हन के साथ उसकी एक सहेली गई या एक लड़की गई, उसके साथ एक और सहेली गई. अब वो जो लड़की है उसके ऊपर तो पूरा पुट्टी उट्टी मेकअप वेकअप है ना, पेंट वेंट चलाया, रोलर ब्रश व्रश से पूरा बकायदा, है नहीं, और बिल्कुल ग्लॉस वाला फिनिश स्प्रे से, समझो जैसे पेंट में करते हैं वैसा पूरा कर कुरी के वो लड़की बाहर आई. दूसरी लड़की जैसी गई थी वैसी बाहर आ गई. मतलब उसने अंदर हो रहे रिएक्शन में भाग लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया. वो क्या थी उस रिएक्शन में? केवल दर्शक थी. क्या थी? स्पेक्टेटर थी. जैसी गई वैसी बाहर आ गई, उसमें कोई परिवर्तन आया क्या? ना तो वो और ज्यादा सुंदर हुई ना वो और अगली हुई, जैसी थी वैसी रह गई, है नहीं. तो क्या थी? स्पेक्टेटर. वैसे ही देखना है यहां पर. शुरुआत में मैंने एक मोल एसीटेट आयन लिया था और एक मोल एन ए प्लस आयन लिया था. एक मोल एसीटेट आयन, एक मोल एन ए प्लस आयन. रिएक्शन होने के बाद मेरे पास एसीटेट आयन कितना है? एक मोल से कम. एक मोल था, कितना हो गया? एक मोल से कम. कुछ किया इसने? कुछ हुआ होगा, कम हो गया, कुछ तो हुआ इसके साथ. एन ए प्लस कितना था? एक मोल. एन ए प्लस से क्या बना? एन ए प्लस से एन ए ओ एच बना, जो कि पूरा का पूरा टूट गया. एन ए प्लस बना लिया. कितना एन ए प्लस बना? एक मोल. पहले भी एन ए प्लस कितना था? एक मोल. बाद में भी एन ए प्लस कितना है? एक मोल. एन ए प्लस ने क्या किया? अरे भाई साहब कुछ कहां किया? कुछ भी नहीं किया इसने. और अगर इसने कुछ भी नहीं किया तो भाई साहब Na प्लस क्या होगा? Na प्लस इज कॉल्ड स्पेक्टेटर आयन. ये केवल रिएक्शन में देखने के काम आ रहा है. तो रिएक्शन किया किसने? रिएक्शन किया एसीटेट आयन ने. किससे रिएक्शन किया? पानी से. पानी से रिएक्ट करके इसने क्या प्रोड्यूस करी? बेसिसिटी. अ रिएक्शन इन विच एन आयन, एसीटेट आयन इज एन आयन. A reaction, सुनना, a reaction in which anion of the salt
रिएक्ट्स विद वॉटर एंड प्रोड्यूसेस वॉट बेसिसिटी। ये अभी आधी 1/3 डेफिनेशन है, अभी धीरे धीरे इसमें और जोड़ेंगे। समझ में आई बात यहां तक के? पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, इधर अंदर वालों का भी हो गया ना। चलो भाई अब अगला सॉल्ट देखेंगे अपन लोग, अगला सॉल्ट पकड़ेंगे अपन। अगला सॉल्ट जो है मेरे पास, ये फर्स्ट सॉल्ट था, यहां नंबर 1 डाल लेना बेटा। अच्छा डाला हुआ है ना मैंने 1, अब नंबर 2 में आ जाएंगे। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, नंबर 2, नंबर 2 इज मैंने ले लिया NH4Cl। NH4Cl का पानी के साथ रिएक्शन कराना है। जल्दी जल्दी साथ साथ कराते जाएंगे, मैं बोलते जा रहा हूं, सुनते जाओ, कराते जाओ जल्दी जल्दी। मैं भी थोड़ा धीरे धीरे करा रहा हूं, जल्दी से खुद कराने की कोशिश करो। NH4Cl का पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे जल्दी से, साथ साथ मेरे, जब तक कि मैं है ना। NH4Cl का पानी के साथ रिएक्शन बन गया। क्या क्या बना आपके पास में देखो जल्दी से, कौन कौन से टाइप का सॉल्ट है, कौन कौन से टाइप का एसिड बेस है। NH4OH बना होगा और HCl। HCl कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH क्या है? वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बन रहे, मतलब सॉल्ट का प्रकार क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। सेकेंड जो हो गया अपना स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट हो गया। ठीक, अब ये मैंने 1 मोल लिया था। अब ये सॉल्ट है और सॉल्ट सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आयनिक कंपाउंड है, कैसा पाया जाएगा? NH4+ और Cl- के रूप में पाया जाएगा। अगर ये पूरा 1 मोल लिया था तो ये भी कितना रहेगा? 1 मोल। और ये भी कितना रहेगा? 1 मोल। यहां तक बात आ गई समझ में भैया? ठीक, बहुत आसान। अभी जब ये 1 मोल था, 1 मोल NH4+ था, तो NH4OH कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा मैन, और क्या। और अगर मेरे पास Cl-1 मोल था तो HCl भी कितना बनेगा? वो भी 1 मोल बनेगा। अब वीक बेस है, वीक बेस है यानी पूरा नहीं टूटेगा, लेकिन जितना भी टूटेगा क्या बनाएगा बोलो? NH4+ और साथ में OH-। ये कितना है? 1 मोल। पूरा टूट जाएगा क्या? नहीं। कितना टूटेगा? 1 मोल से ज्यादा टूट जाएगा सर, है? नहीं। कितना टूटेगा? 1 मोल से कम टूटेगा। 1 मोल से कम टूटेगा तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 1 मोल से क्या कम, 1 मोल से कम बनेगा। समझ में आ रही बात? और ये OH भी कितना बनेगा? 1 मोल से कम बनेगा, है नहीं? ठीक, अच्छा। अभी ये कितना टूटेगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा टूट जाएगा। पूरा टूट के क्या बनाएगा? H+ और Cl-। 1 मोल टूटेगा तो H+ कितना बनेगा? 1 मोल। Cl- कितना बनेगा? 1 मोल। अभी कौन ज्यादा है मेरे पास? H+ ज्यादा है, Cl ज्यादा है? H+ ज्यादा है, OH ज्यादा है, सॉरी, H+ ज्यादा है, OH ज्यादा है। कौन ज्यादा है? H+। तो मेरे पास H+ आयन ज्यादा है एज कंपेयर टू OH-, और H+ आयन ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक, अब मेरे को बताओ NH4+ शुरू में 1 मोल था, बाद में 1 मोल से कम है, इसके साथ कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है ऐसे, है नहीं? लेकिन Cl- 1 मोल और बाद में भी कितना? 1 मोल। पहले जितना बाद में उतना, मतलब ये बेचारा क्या करने गया था? देखने गया था, दूसरा दाढ़ी बनवा रहा था, ये देखने गया था। तो ये भाई साहब क्या हो गया? ये हो गया स्पेक्टेटर आयन। अब जरा पीछे वाला देखो, पीछे वाला कौन रिएक्ट? पीछे देखो, पीछे, हाँ, पहले कौन रिएक्ट कर रहा था? पहले रिएक्ट कर रहा था एनायन कर रहा था, है? अच्छा, अभी देखो, अभी कौन रिएक्ट कर रहा है? अभी कौन रिएक्ट कर रहा है? कैटायन, है नहीं? पहले क्या बना रहे थे ये लोग मिलके? ये लोग बेसिसिटी क्रिएट कर रहे थे। अब ये लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं? ये लोग एसिडिटी क्रिएट कर रहे हैं। बोलो भाई क्या बोलोगे?
अ रिएक्शन इन विच आइदर एन आयन, पहले कर रहा था एसिटिक एसिड, और कैटायन ऑफ अ सॉल्ट रिएक्ट विथ वॉटर टू प्रोड्यूस आइदर बेसिसिटी और एसिडिटी। अभी ये अपनी 2/3 डेफिनेशन हो गई, 1/3 बची है ना, वो अभी कराऊंगा मैं धीरे से। तो फिलहाल आप इसको नोट करो फटाक से, सेकेंड वाले को। हो गया, अगला भैया चलो। इस बार बोतल में गिरा है तेरी नजर, तेरी वो लग रही बेटा, आदतें लग रही सबको है। चलो हाँ, अभी बोलेगा सर, बोल रहे थे थोड़ा देर पहले बाहर बैठा लूंगा, अभी ये बोलेगा सर आपको बाहर बैठा दूंगा, मेरे से बोतल गिरी इस बार। चलो अगला जो है, अगला जो है तीसरा लिखेंगे CH3COONH4। चलो इसमें डालो पानी, मतलब ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तीसरा हेडिंग के लिए जगह छोड़ देना, अभी हेडिंग नहीं, ये एग्जाम्पल में लिखना ना, थोड़ा नीचे कर लो इसको यहां से, और है ना एग्जाम्पल। और एक रुकना भाई, कहां भाग रहा है ये, इसको एग्जाम्पल में यूज करेंगे, इसमें पानी डालो जल्दी से, CH3COONH4 पानी डालो, पानी डालो पूरा, आपको पता है क्या है सिस्टम क्या है, पानी डालो, पानी टूटेगा H प्लस ओ एच माइनस CH3COONH4 CH3CO- और NH4+। हाँ बोलो भैया क्या बनेगा, CH3COOH और क्या बना होगा NH4OH बना। एक क्या था ये, क्या है मतलब, एक क्या है वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस बन रहा है, कौन सा सॉल्ट है बोलो, दिस इज वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक, सॉल्ट सारे सारे सॉल्ट क्या है, सॉल्ट सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सारे सॉल्ट क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने इसका ले लिया एक मोल, मैंने इसका एक ले लिया एक मोल, कैसे टूटेगा बोलो, ये बराबर मात्रा में पूरा का पूरा टूट जाएगा, क्यों पूरा पूरा टूट जाएगा, क्योंकि ये क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बनाएगा ये बनाएगा CH3CO- और साथ में NH4+। एक मोल था ये कितना बनेगा, एक मोल, और ये भी एक मोल, समझ में आई बात भैया। ठीक, एक कितना टूटेगा, एक मोल से कम टूटेगा, क्यों, क्योंकि ये कौन, अच्छा ये बनेगा कितना पहले ये देख ले, ये एक मोल था एसीटेट आयन, तो ये कितना बनेगा एक मोल, और एक मोल NH4+ था तो NH4OH भी कितना बनेगा, NH4OH भी बनेगा एक मोल, बनेगा एक एक मोल। ठीक, अच्छा जी हाँ, ये कैसे टूटेगा, ये CH3CO- और साथ में H+, अगला वाला कैसे टूटेगा NH4+ और OH- में टूटेगा। ठीक, अगला बोलो भैया, ये पूरा टूट जाएगा क्या एसिटिक एसिड, पूरा टूटेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वीक एसिड है, कितना टूटेगा एक मोल से कम, तो ये कितना बनेगा बोलो, ये बनेगा एक मोल से कम बनेगा। अच्छा बाजू वाला कितना बनेगा उसका, वो भी कितना बनेगा एक मोल से, ये भी क्या बनेगा एक मोल से कम बनेगा है? और उसके बाद वाला भी, ये भी क्यों वीक है, कितना टूटेगा एक मोल से कम टूटेगा, तो कितना बनेगा एक मोल से कम, और उसके बाद वाला भी कितना बनेगा एक मोल से कम, समझ में आई बात। अब यहां पर स्पेक्टेटर कौन है बताओ, ये भी रिएक्ट कर रहा है और ये भी एक मोल से कम, यानी सब लोग रिएक्ट कर रहे, तो यहां पर कोई स्पेक्टेटर आयन है क्या, नहीं कोई स्पेक्टेटर आयन नहीं, कौन रिएक्ट कर रहा है, बोथ एनायन एज वेल एज कैटायन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक, अच्छा अभी बताओ मेरे को H+ ज्यादा होगा कि OH ज्यादा होगा, है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं सेम हो, देखो एक मोल से कम
हो सकता है एसिटिक एसिड आधा मोल टूटे, तो H प्लस आयन आधा मोल हो, एक मोल से कम। हो सकता है NH4OH 0.7 मोल टूटे, तो अभी भी 0.7 क्या है, एक मोल से कम है कि नहीं, एक मोल से कम। अभी कौन ज्यादा है मेरे पास में, OH माइनस, चूंकि ये कितना टूट रहा है 0.7, तो एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें OH माइनस ज्यादा हो। उल्टा भी तो हो सकता है कि एसिटिक एसिड टूट जाए, हमें क्या पता, तो क्वांटिटेटिवली देखना पड़ेगा अंदर घुस के कौन कितना टूट रहा है। तो हो सकता है H प्लस आयन ज्यादा हो और OH माइनस कम है, और यह भी संभव है क्या कि दोनों सेम टूटे, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि H प्लस और OH माइनस बराबर हो। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन कैसा हो सकता है भैया, एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। तो हमें कैसे पता चलेगा, अब इसके आगे हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन ज्यादा टूट रहा है कौन कम टूट रहा है, वो थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा उसके, कर लेंगे ऐसी बात नहीं, हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं, कर लेंगे, डरने की बात नहीं, ठीक है, समझ में आया, ये नोट करेंगे। इसके बाद आखिरी बच्चा है अपने पास चौथा सॉल्ट NaCl, इसके बारे में पूरा कार्यक्रम इस बार आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा, पूरा कार्यक्रम शुरू से लेकर आखिरी तक, चलो नोट करो और शुरू हो जाओ। सॉल्यूशन कैसा होगा और कौन स्पेक्टेटर होगा, ये दो बातें मैं जानना चाहता हूं। सॉल्ट, सॉल्ट ये वाला NaCl, NaCl का करना है कार्यक्रम, हो गया, कैसा आ रहा है, सब स्पेक्टेटर और न्यूट्रल। सर NaCl का सॉल्ट आ रहा है, NaCl का सॉल्ट, अच्छा ये वाला तो हटा देता हूं नहीं मैं, आओ लेट्स डू इट फॉर NaCl। NaCl पानी के साथ रिएक्शन करेगा, Na प्लस Cl माइनस क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा, इसको तोड़ लो ना पहले, H प्लस और OH माइनस क्या बनेगा बेटा, NaOH बना लिए रहो और HCl बना लिए रहो, काम आ जाएगा, है नहीं, तो NaOH कितना हो गया एक मोल, HCl कितना हो गया जी एक मोल, है नहीं, और NaCl कितना लिया था मैंने शुरू में एक मोल, वो तो खैर पता ही तुम्हें है ना, एक मोल लिया था, डन। अब बोलो भैया NaCl आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है, कैसा पाया जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, पहले एक मोल था Cl माइनस भी एक मोल है, दोनों एक एक मोल थे शुरुआत में, ठीक है। अच्छा ये NaOH कौन सा है, कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, HCl कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कौन सा सॉल्ट है, ये वाला कौन सा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, कैसा है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, समझ में आगे बात भैया यहां तक के, ठीक। अच्छा NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसे टूटेगा NaOH, कितना टूट जाएगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा, पूरा का पूरा टूटेगा, क्या बनाएगा, Na प्लस, और पूरा क्यों टूट रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना बनाएगा Na प्लस एक मोल, OH माइनस आयन कितना बनाएगा एक मोल, गोली मारो बाद में आते हैं। HCl भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना टूटेगा पूरा, काय में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस, कितना H प्लस बनेगा एक मोल, कितना Cl माइनस बनेगा एक मोल, दोनों एक एक मोल बन गए, आ गया भैया समझ पक्का। अब देखो आप Na प्लस शुरुआत में कितना था एक मोल, बाद में भी कितना है एक मोल, क्या किया इसने, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मतलब ये क्या है, स्पेक्टेटर आयन, काट दो इसको भगाओ। Cl माइनस शुरुआत में कितना था एक मोल, बाद में कितना है Cl माइनस एक मोल, इसने क्या किया, इसने भी कुछ नहीं किया। तो इस वाले सॉल्ट का ना तो कैटायन रिएक्ट कर रहा है ना ही एनायन के रिएक्ट कर रहे हैं, और जब दोनों ही रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या इस प्रोसेस को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहोगे, अबे रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं, गए दुकान बाहर देखे, अच्छा बाल काटते हैं इधर, अब भाग के आ गए, तो कोई रिएक्शन हुआ क्या, नहीं कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो यहां पर लिख लेना कहीं पर बड़े बड़े अक्षरों में, अच्छा
नॉट सॉल्ट हाइड्रो का स्पेलिंग ये नहीं है ना, एच वाई डी आर ओ आता, नॉट हाइड्रोहिसिस हो रहा है, नॉट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक, यहां नहीं हो रहा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अच्छा बोलो भाई, एच प्लस ओ एच माइनस आयन कैसे हैं, दोनों एक एक मोल है, तो सॉल्यूशन क्या होगा बोलो, ऑलवेज होना भी चाहिए न्यूट्रल, क्योंकि तो NaCl तो कुछ किया ही नहीं, पानी था, पानी न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल न्यूट्रल है, उसमें कौन सी बड़ी बात है जी, समझ में आई बात। अब बोलो भाई कैसे डिफाइन करोगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को, सबसे पहले कौन रिएक्ट कर रहा था, देखो आप ढूंढो, अबे तेरी ऐसी तैसी ये आदत छोड़नी है बोलनी, अबे तेरी ऐसी वो आदमी निकल जाता ना मुझसे, कल मैं रात के घर गया तो मेरा लड़का बोल रहा था ऐसी, तो मैंने बोला नहीं यार ये गलत है करके, तो उसको तो चिल्लाया मैंने, बताओ यार ये छोटे छोटे बच्चे इतना जल्दी सीखते हैं बोलना, इतना जल्दी जिसकी इंतहा नहीं, कुछ भी सुनेगा आपके मुंह से बोल देगा पट से, पता नहीं मेरे मुंह से सुना किसी और के मुंह से सुना, मैं घर में तो ज्यादा बात नहीं करता यार, क्या घर वालों से बात करना यार है, साथ में तो रहते हाँ। पहले वाले में कौन रिएक्ट कर रहा है, एनायन, दूसरे वाले में देखो कौन रिएक्ट कर रहा है, दूसरे वाले में देखो ये है, दूसरे वाले में कौन रिएक्ट कर रहा है, एनएच फोर प्लस यानी कैटायन सीएल तो स्पेक्टेटर है, तो इट इज अ प्रोसेस इन विच आइदर एनायन और कैटायन ऑफ अ सॉल्ट रिएक्ट विथ वॉटर टू प्रोड्यूस आइदर बेसिसिटी और एसिडिटी। ये तो टू थर्ड हो गई थी अपनी, वन थर्ड बचा था वो लास्ट वाला सॉल्ट देख लेते हैं, वीक एसिड वीक बेस में कौन रिएक्ट कर रहा है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे बोलोगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच आइदर एनायन और कैटायन और बोथ द आयंस ऑफ अ सॉल्ट रिएक्ट विथ वॉटर टू प्रोड्यूस आइदर एसिडिटी और बेसिसिटी और कई लोगों के मन में आ रहा है सर और न्यूट्रलिटी, तो न्यूट्रलिटी इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग न्यूट्रलिटी, क्योंकि वाटर पहले भी न्यूट्रल था, वी आर मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम न्यूट्रलिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वाटर पहले भी न्यूट्रल था अभी भी न्यूट्रल, तो आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन लिखेंगे भैया, डेफिनेशन लिख लो छोटा सा, अ प्रोसेस इन विच आइदर कैटायन पहले कैटायन था क्या, चलो ठीक है, आइदर कैटायन और एनायन और बोथ द आयंस ऑफ अ सॉल्ट रिएक्ट विथ वॉटर ऑफ अ सॉल्ट रिएक्ट विथ वॉटर टू प्रोड्यूस आइदर एसिडिटी या बेसिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एसिडिटी और बेसिसिटी, समझ में आया भैया, ठीक हो जाएगा, किसी का ये लिखना छूटा है क्या, नहीं छूटा, खोल क्या तो गेट भाई, एक मिनट एक छोटी सी चीज लिखानी है ना, कोई आया है, एक मिनट गेट नहीं खोल पा रहा, देखो लड़का है, खोल लिया, हाँ नाश्ता आया तुम्हारे गुरुजी का, चलो लाओ, कहाँ है नाश्ता, धन्यवाद, ये दिखता इतना सुंदर है बेटा, आदमी देख के सोचता है कितना टेस्टी होगा अंदर, इसके अंदर इसको पी के देखो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, चलो तो खैर आगे बढ़ेंगे, सबसे पहला सॉल्ट कौन सा था मेरे पास, देखना पहले देख क्या हो, पहले सॉल्ट कौन सा था जल्दी से देखो, पीछे सबसे पहला वाला वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट में है ना, पीएच कितना था बोलो,
पीएच मतलब ये कैसा था, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक था बेसिक था, देखो क्या था। फाइनल सॉल्यूशन कैसा आ रहा था, बेसिक आ रहा था, पीएच ऑफ सॉल्यूशन हो गया बेसिक। दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा वाला सॉल्ट था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, पीएच ऑफ सॉल्यूशन देखो कैसा आ रहा था, एसिडिक आ रहा था, समझ में ठीक। तीसरा वाला देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, चौथा वाला देखना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, चौथा वाला कैसा आ रहा था, चौथा वाला लास्ट वाला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसा आ रहा था, न्यूट्रल ठीक। और वीक एसिड वीक बेस कैसा आ रहा था, एनी ऑफ द अबव, एसिडिक भी था बेसिक भी था न्यूट्रल भी था। तो ये अपन एक टेबल बना ले, अरे कहां चला जाता है कहां चला, ये अपन एक तो टेबल बना लेंगे भैया ठीक है। सबसे पहली चीज उसको बनाने से पहले इसको याद करने का भी जुगाड़ करना है, तो आओ जरा पहले ऊपर देख ले अपन लोग, एक चीज छूट गई वापस ला दूंगा मैं। ये वाले पहला वाला सॉल्ट निकालो आप, सबसे पहला वाला सॉल्ट कौन रिएक्ट कर रहा है, एनायन, और एनायन के रिएक्ट करने के कारण कहीं लिख लेना, इसको कहते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं इसको, एनायनिक हाइड्रोलिसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि कौन रिएक्ट कर रहा है, एनायन। अब जरा एक छोटी सी चीज आप नोटिस बोर्ड करो यहां पर, आओ जल्दी से, एनायन जो है ये कहां से आया है, नहीं नहीं ये एनायन कौन से एसिड से आया है, CH3 मतलब काय से दिख रहा है, एसिटिक एसिड का आयन दिख रहा है ना, एसिटिक एसिड कैसा एसिड है, वीक, वीक एसिड का आयन जो है वो रिएक्शन में भाग ले रहा है, और ये Na+ प्लस काय से आया होगा, यह आया होगा NaOH से, और NaOH कैसा है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वाला रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा, कौन ले रहा है, गरीब आदमी की औलाद, समझ रहे हो, गरीब आदमी कौन है, एसिटिक एसिड, यहां रखा है गरीब आदमी कौन है, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का आयन रिएक्शन में भाग ले रहा है, समझ में आ रही बात भाई ठीक है ना। दूसरे वाले केस में देखो, दूसरे वाले केस में NH4 प्लस रिएक्शन में भाग ले रहा है, जो कहां से आया होगा, NH4OH से, जो कि वीक बेस है, जबकि Cl- जो कि HCl से आया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा, रिएक्शन में कौन भाग लेता है, जो वीक से आया है, समझ में आई बात। अभी देखना अगला वाला सॉल्ट देखो, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, दोनों वीक है, कौन रिएक्शन में भाग ले रहा है, दोनों ले रहे हैं। अगला वाला देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, कौन ले रहा है रिएक्शन में भाग, कोई नहीं, दोनों कैसे हैं स्ट्रॉन्ग। तो अब आपको लग रहा होगा यार ये क्या तमाशा हो रहा है, मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है, रिएक्शन में किसको भाग लेना चाहिए, जो क्या हो स्ट्रॉन्ग, यहां कौन भाग ले रहा है, जो वीक है, नहीं जो वीक से आया है, वीक ये जो है ना, देखना पहले वाले केस में देखो, एसीटेट आयन जो है ये एसिटिक एसिड एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, मतलब वो गरीब आदमी का लड़का है, और वैसे ही आप ऐसा बोल सकते हो Na+ प्लस जो है वो NaOH बेस का कॉन्जुगेट एसिड है, ऐसा कुछ तो भी मान सकते हो है ना, NaOH से आया है, NaOH का लड़का है, NaOH कैसा है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, बड़ा बाप है, ये बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है, रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, एक गरीब आदमी का रिक्शा चलाने वाले का लड़का है, ये क्या बनेगा, बाद में जाके IAS बनेगा। तो रिएक्शन में कौन भाग लेता है, जो कहां से आता है, स्ट्रॉन्ग से आता है या वीक से आता है, वीक से आता है, क्यों, क्योंकि वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट क्या होता है, वीक होता है, इसीलिए रिएक्शन में भाग नहीं ले पाता, समझ में आई बात भैया ठीक। अच्छा अब ये वाले में देखो, NH4+ रिएक्शन में भाग ले रहा है, सेकंड वाले में, सेकंड वाले को लिखेंगे कैटायन भाग ले रहा है, इसका नाम लिखेंगे दिस इज कॉल्ड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, नोट करो जल्दी से, सेकंड वाले में कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, NH4+ भाग ले रहा है,
दिस इज कॉल्ड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। जल्दी बस दो मिनट में छोड़ रहा हूं, ज्यादा नहीं, मेरी और क्लास है यार, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास। तुम तो क्या है, पढ़ना भर है, मेरे सोना भी है जाके आज संडे। इसमें इसमें दोनों भाग ले रहे हैं, दोनों भाग ले रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस जैसा शब्द नहीं बनाया है। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप साइंटिस्ट ना बने और ना बनाए कुछ नया, ठीक है ना? नहीं बना लेता है बच्चा कई कई बार बोलेपन में। अब बोलो यहां पर, यहां कौन भाग लेगा? जो वीक एसिड से आया होगा। यहां कौन भाग लेगा? जो वीक बेस से आया होगा। यहां कौन भाग लेगा? कोई नहीं लेगा, सब बड़े बाप के वाला दोले भाग, कौन रिएक्शन करेगा? यहां कौन भाग लेगा? दोनों भाग लेंगे। यहां पर बेस स्ट्रांग है इसलिए सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। यहां पर एसिड स्ट्रांग है इसलिए सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। यहां पर दोनों लड़ लिए, सब खत्म कर लिए, सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल। और यहां पर दोनों वीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। समझ में आया भैया? एक क्वेश्चन लिखेंगे, ये वाला नोट करो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं इधर। फाइंड, नहीं फाइंड नहीं, पूरा नहीं, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स। प्रिडिक्ट पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट। नंबर वन केसीएल, नंबर टू सी एच थ्री सी ओ ओ के, नंबर थ्री एच सी ओ ओ एन ए, नंबर फोर एल आई सी एल, नंबर फाइव के टू एस ओ फोर, नंबर सिक्स के एन ओ थ्री, नंबर सेवन एम जी सी एल टू, नंबर एट ए एल सी एल थ्री, नंबर नाइन एच सी ओ ओ एन एच फोर, और नंबर टेन MgSO4। ठीक है, ये 10 है,